सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपका चहिता, आपका दोस्त शमशेर खान उर्फ हीरो खान, और मैं भी आपका दोस्त, आपका प्यारा नूरुल सैफी। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, सारी दुनिया में कई तरीके के वायरस और बीमारियां चल रही हैं, लेकिन इन बीमारियों के चलते दोस्तों हमें इनसे बचने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस के बारे में पता चल गया है, दवाइयों के बारे में जैसे कि सैनिटाइजर और मास्क, और ये भी पता चल गया कि इन सब चीजों का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, है ना, जो कि मिडिल क्लास लोगों को अब से पहले ये सब पता ही नहीं था। तो आइए दोस्तों, इस छोटी सी कॉमेडी वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ मिडिल क्लास फैमिली की मिडिल क्लास हरकतें, वो भी गुदगुदाती हुई कॉमेडी के साथ। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा दूँ। वैसे तो मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, लेकिन इंट्रोड्यूस कराना तो बनता है ना, है ना, तो चले। कहाँ है गुप्ता जी? ये रहे, इनसे मिलिए। ये हैं हमारे पिताश्री माननीय गुप्ता जी। ये यहाँ बैठे, लो तोड़ दिया होगा ये भी। इनसे भी हद है, खाली बैठे बैठे कुछ सोचता नहीं है, करते हैं उंगली घर के सारे सामान। इंजीनियर तो बेचारे बन नहीं पाए, पढ़ाई तो बहुत करी, आज की चीज में उंगली कर रहे हैं। ओ अरे, ये तो वही रेडियो है ना जो मम्मी जी को नाना जी ने गिफ्ट करा था। कर दिया होगा ये भी खराब। पापा जी, मैं तो जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। मैं मम्मी से कुछ नहीं बोलूँगा, आप लगी रही। और ये है हमारी फैमिली की दूसरी मेंबर मिस छटकी। देखिए, इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, फाड़ में जाए दुनियादारी। इसे तो अपनी बस वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। क्या है वो ऐप, टक टक टुक टुक, क्या बोलते हैं? ये देखिए छुटकी। अरे छुटकी, मेरी भी सुन ले। ओ छुटकी, हाँ इधर आ, देख मेरे दोस्त उससे बात करना चाहते हैं। देख, सब लोग तुझे देख रहे हैं। ओ हाय, हेलो फ्रेंड्स, आई एम छुटकी, और आप मुझे देख रहे हैं। प्लीज़ मेरे फॉलोवर्स बने, मेरी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। और इनसे मिलिए, ये हैं हमारी माता जी। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहली शादी तो इनकी हुई थी हमारे पिताजी से, और दूसरी हुई है रसोई से। देखो बेचारी कैसे लगी रहती है। मैं इसे बार बार कहता हूँ, कोई अच्छी सी सुंदर सी सुशील सी बहू ला दो मेरे लिए, फिर तुम्हारा आराम से बैठ के खाना। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो गुदगुदाती कॉमेडी के साथ। उफ, गर्मी। बहुत बुरा हाल है, एक तो गर्मी, ऊपर से लॉकडाउन। चलो शुक्र है वो तो कोरोना वायरस के चलते बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो रोड पे ट्रैफिक भी उतना ही होता, और ट्रैफिक रोड पे होता तो प्रदूषण भी होता। एक तो गर्मी, ऊपर से प्रदूषण। ओह हे भगवान, तू जो करता है बिल्कुल ठीक करता है। मुझे याद है कि डॉक्टर अंकल ने कहा था कि जब भी घर से बाहर जाओ और वापिस आओ तो अपने हाथ सैनिटाइज कर लेना। ये रहा सैनिटाइजर। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को सैनिटाइज करूंगा। मम्मी को सैनिटाइज करता हूँ, हाँ ये ठीक है। और हाँ, आप लोग भी ध्यान से सुन लो, कहीं भी बाहर जाओ और वापस आओ तो हाथ सैनिटाइज जरूर कर लेना, और उसके बिना घर को किसी चीज को मत छूना। हाँ भाई, मैं तो सैनिटाइज करता रहूंगा। अब मैं मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी, हाँ मम्मी। अरे यार, होंगी किचन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहली शादी तो गुप्ता जी से हुई और दूसरी शादी इन्होंने रसोई से करी। मम्मी
मम्मी मैं ही आ जाता हूँ। अरे मम्मी आ गया मेरा बेटा, ला पहले मेरा वो सामान दे जो मैंने तेरे से मंगवाया। हाँ, ये लो अपना सामान। बेटा ये क्या तूने मुझका सा लगा रखा है? अरे मुझका नहीं है मम्मी, आज के दौर में इसे मास्क कहते हैं। अगर ये नहीं लगाया ना तो 2000 की पर्ची फट जाएगी पापा की। हाँ। अरे बेटा क्या मास्वास है? जब मेरे गांव में मेरी मम्मी थी ना तो पता किसको लगाया करती थी? किसको? उसको लगाया करती थी गाय के बछड़े। अरे माँ ने तो बैल का बछड़े बना दिया। गाय के बछड़े को लगाया करती थी। जा बेटा जा। माँ एक बात बताऊँ मैं आपको? हाँ। इस कोरोना वायरस की बीमारी के चक्कर में चारों तरफ सन्नाटा है। मॉल बंद, दुकानें बंद, बाजार बंद, और तो और मम्मी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तक बंद। मैं तो एक मंदिर और मस्जिद के आगे से गुजर रहा था, बस मैंने तो बाहर से हाथ जोड़ लिए। हो सकता है हमारा भगवान हमसे नाराज हो गया और इस वजह से उसने हमारी धरती पर हमारे पास इतने खतरनाक वायरस भेज दिए। अरे अरे मां तुम क्यों रोने लगी? हमें कोई सजा दे रहा है, हमें भगवान से तौबा कर ली चाहिए ताकि भगवान हमारे गुनाह माफ करते हैं। अरे माँ तुम तो कभी भी शुरू हो जाती है। माँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हें तो कोई बात बतानी बेकार। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, लाओ हाथ आगे बढ़ाओ। क्या लाया? ला दिखा। लाओ तो हाथ आगे करो। क्या लाया? अरे हाथ तो आगे लाओ। हाँ ये लो। हे भगवान जय हो। अरे अरे माँ, अरे माँ ये कोई बाबा जी का प्रसाद थोड़ी था तो तुमने माथे से लगा लिया? बेटा मैंने तो प्रसाद ही समझ के लगा लिया। अरे माँ तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हारे लिए तो कुछ भी लाना ही बेकार है। अरे माँ छोड़ो, तुमने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया, जा रहा हूँ पापा के पास। सुन तो बेटा। आज क्या चीज खराब करने बैठे हैं? माय गॉड, ओ माय गॉड गया ये भी। हे डैडो करते रहो, अब मैं तो अपनी वीडियो बनाऊंगी। ये क्या कर रहे हो डैडू? कर दिए इसका भी पोस्टमार्टम ना? ये तो गया। अरे बेटा मैं अपनी क्लास में साइंस का टॉप स्टूडेंट था, वो एक अलग बात है, मैं साइंटिस्ट नहीं बन पाया, लेकिन घर की ये छोटी मोटी चीजें तो मैं यूं ही ठीक कर देता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखा है हमने। क्या है ये? माय गॉड, अब मम्मी आपकी क्लास लेंगी। अबे जा। और देख बेटा अब तू ये सब चीजें छोड़ दे, अब तू बड़ी हो गई है, समझ गई कि नहीं? सारा दिन इसी में घुसी रहती है। डैडू ये फालतू की चीज नहीं है, ये मेरा टैलेंट है, टैलेंट। हाँ पता कितने फॉलोवर्स हैं मेरे, मेरी वीडियो अपलोड होने का वेट करते हैं। हाँ वेट करते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया बिल्कुल ही। ओह पापा भाई क्या बात हो गई, क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, मैंने मम्मी जी को सैनिटाइजर हाथ में लगाने को बोला, वो बाबा जी का प्रसाद समझ के माथे से लगाने लगी। अबे बेटा तेरी माँ भी बड़ी भोली है। ये तो है। ला मुझे ला, क्या लाया है तू? ला मुझे दिखा। हाँ ये सही है, आप लगाओ पापा। मैं देता क्यों नहीं है? लो मुझे पता है, जीनियस है। अब खुशबू तो बड़ी अच्छी है। अब खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई। कौन सा इधर है? अरे पापा
अरे इधर नहीं है ये। क्या बोलूं, इधर नहीं है। बस इस घर में तो बस एक ही जीनियस है, मेरी छुटकी। ले छुटकी, हाथ आगे ला, तू ले हाथ आगे कर। क्या है, ले ला। तू लगा। वाह, इसी लगा के तो मेरे फेस पे कितना ग्लू आ गया है ना। ला ला मुझे दे दे, मैं इसको अपने ना मेकअप किट में रख लूंगी। अरे सबके सब पागल ही हो क्या। हाय हाय छुटकी के पापा, कौन हो गया पागल, मुझे भी तो बताओ कौन हो गया पागल। अरे छुटकी, ये कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं है। What? अरे ये सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर। हाँ और पता भी कैसे होगा, यूज तो कभी किया नहीं हम लोगों ने। मिडिल क्लास फैमिली जो ठहरे, वो तो शुक्र करो इस कोरोना का कि इसकी वजह से हमको कई तरीके के इम्यूनिटी बूस्टर और सैनिटाइजर और प्रिकॉशंस हमको मालूम पड़ गए, जिसकी वजह से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, और ये कई तरीके के जो वायरल चल रहे हैं ना, इससे हम अपने आप को खुद को बचा सकते हैं। हाँ देखा चुटकी के पापा, हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा है। हाय मेरा बेटा, मेरा लाल। मैं बताता हूँ कोरोना के आने से पहले इस सैनिटाइजर का क्या हाल था। बता बता। हाँ हाँ बताता हूँ। मेडिकल स्टोर पे कोरोना आने से पहले ये किसी कोने में किसी शीशे की रैक में पड़ा होता था। आने जाने वाले लोगों से कहता था, अरे भैया मुझे भी ले लो। हाँ? अरे एक हाथ तो ले लो, बड़ी काम की चीज हूँ। हाँ लगाते सब थे, चेक सब करते थे हाथ में लगा के, लेता कोई नहीं था। अब कोरोना आने के बाद देखो, किसी पान के खोके पे भी चले जाओ ना, तो वहां भी सैनिटाइजर रखा मिलता है। हाँ अब वही रैक के अंदर ये क्या होता है कि कोरोना के बाद लोग छीना झपटी करने लगे, नहीं मुझे तो 10 पीस, मुझे 20 पीस, मुझे। अब बेचारा क्या बोलता है, अरे भैया ध्यान से, अरे 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 धक्का मत तो भैया, अरे अरे एक एक करके ले लो, अरे अरे सारे मुझे ही लोगे क्या, और भी तो बहुत सारी चीजें पड़ी है स्टोर में, वो भी ले लो। लेकिन नहीं, मारा मारी हो गई। आप लोगों को फिर भी नहीं पता चला कि ये क्या है, मेकअप प्रोडक्ट। इतर जय हो। अरे माता श्री, बड़ी धार्मिक है आप तो है। अब तो रिक्शे वाला भी पैसे बाद में लेता है। पहले सवारी से बोलता है, भैया पैसा बाद में लेंगे, पहले हाथ सैनिटाइज कर लो। ओह माय गॉड। बस बस अब तू अपना भाषण बंद कर, और हाँ वो सैनिटाइजर है ना, पापा को दे दे। वो उसका पोस्टमार्टम करके उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है हमारे लिए अच्छे से निकाल लेंगे। हाँ मेरे पापा जीनियस हैं, जीनियस। हाँ मेरे प्यारे पापा। मेरी कदर तो बस इस घर में छुटकी गई है, बाकी तो और कोई मेरी कदर जानता ही नहीं है। नहीं नहीं छुटकी, मैं ये नहीं करूंगा। क्यों क्यों, तेरे पापा है वो, उनको क्यों नहीं देगा। नहीं नहीं छुटकी, मैं ये पापा के हाथ में नहीं दूंगा। अरे मम्मी, अगर मैं ये इनके हाथ में दे दूंगा ना, तो सैनिटाइजर भी बोलेगा कि मैं गंदा हो जाऊंगा। हाँ? अरे ये बार बार नाक में उंगलियां जो देते हैं। हाँ। मम्मी पापा, पापा मैं तो मजाक कर रहा था। बाप से मजाक करेगा।
बाप से मजाक करेगा है? सॉरी पापा सॉरी। चल खाओ। खाओ। पापा कहाँ लेके जा रहे हो? अरे पापा बताओ तो सही प्लीज प्लीज पापा मैं तो मम्मी अरे पापा मेरी बात तो सुनो बाहर के लेके जा रहे हो। अबे बाहर चल आज से तेरा घर का खाना बंद। आज से तू बाहर खाएगा जो पुलिस वाले फ्री की सूजी डंडे पे रख के बांटने हैं। चल अबे चल बाहर निकल चल चल बाहर बाहर चल चल। अबे अब पता चलेगा तुझे बाप से मजाक करने का नतीजा। चल पापा चला जा यहाँ से। अरे पापा अंदर घुस मचिए और साले नहीं तो खाल काट दूँगा तेरी। यार अब इस लॉकडाउन में कहाँ जाऊं? यहाँ तो वाकई पुलिस वाले टेंट में रख के सूजी बांट रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। कैसी लगी दोस्तों हमारी वीडियो आपको? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और हाँ आप कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मम्मी हाँ। एक बात तो बताओ ये लोग हमको पहचाने भी है नहीं? हाँ बेटा क्यों नहीं पहचानेंगे, आपने हमें पहचाना कि नहीं? अब ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए, हम खुद ही बता देंगे। तो बता दो। मैं हूँ आपका चहेता कलाकार, आपका दोस्त, आपका भाई शमशेर खान। और मैं हूँ आपकी मेरा मतलब है मैं हूँ आपका चहेता आपका प्यारा नूरू सैफी। अब इन लोगों से इजाजत ले लीजिए, अगला हाँ। वीडियो भी तो बनाना है ना आपके लिए। हाँ हाँ मुझे तो इसके पापा के लिए हलवा बनाना है। और वो देखो कहीं वो मेरा भैया मेरा भाई ना आ रहा हूँ मुझे ढूंढता हुआ, बहुत लड़ता है मुझसे। चलिए चलिए चलो चलो देखो चलो।